मुजफ्फराबाद में शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए दहाइयों कबल 15 अहलकारों पर मुश्तमिल कायम किए गए फायर ब्रिगेड को हुकाम की अदम तवज्जही के सबब आज भी बुनियादी सहूलतों समेत अमले की कमी का सामना है। हम ये चाह रहे थे कि हमारे शहर की फायर ब्रिगेड वो बेहतर हो। दुनिया इस वक्त चांद पे पहुंच चुकी है, हमारे ये फायरमैन अभी भी बेचारे बगैर लिबास के ये आग के अंदर घुस जाते हैं। लिहाजा हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है, जो भारी भरकम बजट जो है वो बल्दिया के नाम पर आ रहा है उसको अयाशियों में खर्च न किया जाए, हमारा जो फायर डिपार्टमेंट उसके ऊपर लगाया जाए। पेंशन जिनको नहीं मिलती, इनकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इन लोगों की कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ सेफ्टी के आलात इनके पास नहीं है। गाड़ियों की जो हालत है, मुझे तो लगता है डोगरे के जमाने की गाड़ी है। फायर सुपरिटेंडेंट डाग लगा हुआ है, सारे के सारे लोग डाग लगे हुए हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी को हंगामी सर्विस फराहम करने के इस जिम्मेदार इदारे के पास गलियों और बाजारों तक रसाई के लिए महज एक ही छोटा वाटर टैंकर मौजूद है, जबकि हुकाम इदारे की हालत इजार पर बेबस दिखाई देते हैं। ये जो हमारा फायर ब्रिगेड का निज़ाम है, ये उस वक्त का है जब आबादी थी 60-70 हज़ार, अब आबादी हमारी तकरीबन शहर की 4 लाख से के लगभग है, और ये वही निज़ाम अभी तक जा रहा है। गलियाँ बहुत तंग हैं, ये हमारे पास है 4 बड़ी गाड़ियाँ, छोटी एक गाड़ी है। अब हमें मजीद, हमने हुकूमत को तहरीक किया हुआ है, 3 छोटी गाड़ियाँ हमें और चाहिए। फायर ब्रिगेड की अहम असामियों के लिए सियासी बुनियादों पर मनपसंद गैर तकनीकी अफराद को नवाजे जाने का सिलसिला भी जारी है। फायर ब्रिगेड अमले की इस्तेदाद कार बढ़ाने के साथ साथ तकनीकी सहूलियात की फराहमी से शहरियों को आतिशजदगी के वाकयात की सूरत में जानी और माली नुकसान से महफूज बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकी उल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।